सात टिप्स मैं ऐसे आपको बताने वाला हूं जिसमें यदि आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके हस्बैंड को सेक्स में रुचि आ जाएगी। चलो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। क्या है कि कभी कभी औरतों में या मतलब पति पत्नी में जो प्रॉब्लम आता है वो ऐसा है कि आजकल तो हस्बैंड बहुत थका हुआ नज़र आता है या बेड पर बहुत थक के आता है, खुद सेक्स के लिए पूछता नहीं है, पहले पूछता था भी आजकल पूछता नहीं है। यदि वाइफ ने उसको पूछ लिया, पत्नी ने पूछ लिया तो वो बोलता नहीं नहीं मैं थक गया हूँ, तो फिर ऐसे इसमें क्या हो सकता है कि पत्नी को उसके बारे में शक आ सकता है कि क्या आजकल मैं इतनी अट्रैक्टिव नहीं हूँ, क्या मैं ज़्यादा मोटी हो गई इसलिए मेरे तरफ वो ख्याल नहीं दे रहा है, क्या इसका बहुत बाहर संबंध आ रहा है कहीं किसी के साथ में या कोई और रिलेशनशिप में वो आ गया है, मतलब ऐसे अलग अलग विचार उसको आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि पहले इनिशिएट करने वाला हस्बैंड अभी सेक्स की बात नहीं कर रहा है, अभी 15-15 दिन तक वो हाथ भी लगाता नहीं है, तो फिर क्या है तो पत्नी के दिमाग में अलग अलग विचार आना शुरू होते हैं, फिर उसमें वो झगड़ा झंझट शुरू होता है और फिर रिश्ते जो है आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर रात में पूरी रात जागो और दिन में काम करो, पूरा सत्यानाश प्रोडक्टिविटी का। तो ऐसे इसमें पत्नी ने थोड़ा संभल के धीरज रख के आराम से परिस्थिति को समझ के लेना चाहिए, और वो सात टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ वो यदि उसका इस्तेमाल करते डेफिनेटली सेक्स लाइफ में उसका फायदा हो जाएगा। नंबर एक, आप क्या करो कि उसका मेडिसिन का डब्बा चेक करो कि भाई मेडिसिन क्या ले रहा है, हो सकता है कि उसने आपको बताया नहीं होगा वो डायबिटीज़ की दवाई ले रहा है या डिप्रेशन की दवाई, एंग्जाइटी की दवाई ले रहा है, ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है, कोई स्टीरॉइड्स ले रहा है, पता नहीं वो क्या ले रहा है, या कोई व्यसन उसको लग गया है गांजा का वगैरह, उसकी जो दवाइयाँ वो चेक करो कि भाई वो दवाई के कारण ऐसा हो रहा है कि उसका इंटरेस्ट आजकल नहीं है। नंबर दो, उसको एक्सरसाइज के लिए प्रवृत्त करो कि भाई एक्सरसाइज करो, तो आप खाना खाने के बाद में घूमने जा सकते हैं, तो क्या होता है कि घूम फिर के आ जाते हैं तो अच्छा भी लगता है, बातचीत भी अच्छी होती है, आपसी जो चर्चा है वो भी हो जाती है और अच्छा लगता है, तो आप उनको प्रमोट कर सकते हैं कि भाई चलो एक बार जरा घूम के आ जाते हैं खाना खाने के बाद में, ताकि दोनों को भी फ्रेश लगेगा और सेक्स लाइफ में उसका फायदा होगा। नंबर तीन, आप प्रोफेशनल को कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई मतलब जल्दी कंसल्ट करते हैं तो मालूम पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गई है, हो सकता है कि उम्र ज़्यादा हो गई है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो देखना पड़ेगा, तो कंसल्टेशन के लिए उसको सजेस्ट करो कि भाई अपन कंसल्टेशन करेंगे डॉक्टर को। हमारे नंबर नीचे दिए हुए, हम ऑडियो कॉल वीडियो कॉल्स करते रहते हैं लोगों को, लोग कॉन्टैक्ट करते रहते हैं, आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं, आपका जो भी नज़दीक का डॉक्टर उसको कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर चार जो है वो है स्ट्रेस, हो सकता है कि उसको आजकल स्ट्रेस आ रहा है हस्बैंड को, और बिजनेस में स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत चालू है, बंदा बढ़ नहीं रहा है, लेने वाले बहुत तकाता लगा रहे पीछे कि भाई पैसा होना है, मतलब इन शॉर्ट ओवरऑल उसको स्ट्रेस आ रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नंबर पाँच, आप उससे बातचीत करो, टॉक करो, बातचीत करना है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है, उसको बोलने लगाएंगे वो चुप है समझो, बातचीत नहीं कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो आप इनिशिएट करो बातचीत। तो बातचीत जब पत्नी करती है अपने पति से, लाइटर मोड में करती है, गप्पे मारती है, तो समझ में आएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसके साथ में बातचीत करना, टॉक करना, उसका जो प्रॉब्लम उसके बारे में चर्चा करना और उसमें उसको क्या सहायता कर सकती है बिना प्रेशर डाल के, उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। नंबर छः जो है वो इनिशिएट कर सकती है सेक्स को, मतलब क्या होता है कि यूजुअली हमारे संस्कृति में ऐसा है कि महिलाओं ने नहीं बोलना चाहिए सेक्स के लिए खुद होके, है ना, पति ने बोलना चाहिए, उसने मतलब शुरुआत करनी चाहिए, और हमारे संस्कृति में ऐसे है कि नहीं, लेडीज़ लोग हैं ना वो उनको इच्छा ही नहीं होती है, कभी भी बोलो तो वो ना ही बोलती है, टायर्ड बोलती है या कमर दुख रही है या थक गई है ऐसा बोलती है, तो इसलिए हमारे संस्कृति में ऐसा है कि नहीं, हस्बैंड ने ही शुरू करना है बातचीत या हस्बैंड ने ही अप्रोच करना है, तो अभी उसकी राह न देखते हुए पत्नी ने शुरुआत करनी चाहिए, इनिशिएशन करना चाहिए, और वो इनिशिएट करती है तो डेफिनेटली उसका फायदा होगा। और फिर ऐसी बातें भी आप कर सकती है कि सुबह जब वो घर से बाहर निकलता है तो किस दे के बाहर निकलो, है ना, उसको गुड बाय कर रहे हैं, किस दे रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, तो मतलब उसमें उसको भी अच्छा लगता है। या फिर आपका जो नाइट ड्रेस है तो वो एकदम एकदम नीट और क्लीन, और या आप ऐसा ऐसे कपड़े पहन के जा सकते हैं बेड पर कि एकदम जैसा कोई रिसेप्शन में जा रहे, आकर्षक दिख रहे, तो ऐसा जाइएगा। आप साथ में शावर ले सकते हैं,
बेड पर जाने के पहले, तो उससे भी उसको इच्छा हो जाएंगी, तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये छठवा। और फिर सातवा, सेवंथ, कि भाई उसको एक तरह की ज़िंदगी जीने के लिए सपोर्ट करो। जैसा फॉर एग्जांपल कि भाई अल्कोहल लेता है वो, तो फिर अल्कोहल से प्रॉब्लम हो सकता है, तो भाई अल्कोहल कैसा कम लेगा, उसको क्या आप सपोर्ट कर सकते हैं शराबी है तो? क्योंकि शराब से क्या होता है कि थोड़ी शराब लिया तो इच्छा बढ़ती है मगर इरेक्शन का प्रॉब्लम है, ज़्यादा शराब लिया तो इच्छा होती नहीं, वो ऐसे गुल हो जाता है। तो शराब का वो कम कैसे करना, उसका चॉइस जो है उसमें मदद करो। या लाइट डिनर, लाइट डिनर लेने में उसको सपोर्ट करो कि भाई ज़्यादा खाना नहीं खाना, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो फिर इच्छा होती नहीं है, पेट बहुत फुल जाता है और फिर इच्छा नहीं होती है। या अर्ली डिनर करना है, जल्दी खाना खा लेंगे तो फिर मतलब अलर्ट रहता है आदमी, सुस्ती नहीं आती है, तो फिर जल्दी खाना खाने के लिए उनको सपोर्ट करो। तो इस तरह से चॉइसेस जो है वो लेने में मदद करती है पत्नी, तो डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा देखिए कि उम्र ज़्यादा हो गई तो ये बहुत कॉमन है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम है, तो ये सब चेक करना जरूरी। हो सकता है कि अभी डायबिटीज शुरू हो गया है और वो अफेक्ट कर रहा है और मालूम ही नहीं, बस इच्छा नहीं ऐसा हो रहा है। तो ऐसी सभी बातें जो है वो जब आप कंसल्टेशन करते तो उसमें मालूम पड़ जाती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी औरतों को शेयर करो, दोनों भी काम है। एक तो क्या है कि औरतें ना बोलती हैं, नकार देती, इसलिए हस्बैंड को प्रॉब्लम है, तो उनको भी समझ में आएंगे कि हमने नकार नहीं देना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ में बातचीत करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। और दूसरा, यदि हस्बैंड को प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या करना, ये मैंने 7 टिप्स के माध्यम से आपको बताया है। तो ये आप इसका फ़ायदा लेते हैं, इस मुताबिक करते तो डेफिनेटली आपका सेक्स लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।